हाय गाइस, तो आज हम फाइनली आ चुके हैं अपने गांव के श्री राम जानकी मंदिर में। और यहां मंदिर के बाहर एक शिवलिंग का स्थापना होने वाला है कल, और आप सभी यहां पर कल उपस्थित हों। दिनांक 28 दोपहर 2 बजे आप लोग आएँ और ये बाबा से आपको मिलवाते हैं, और बाबा देखिए क्या कहते हैं मंदिर के बारे में और भी चीज़ें जानकारी देंगे। बताइए बाबा। आप सभी लोग आमंत्रित किया जाता है कि यहाँ पर 2 बजे आइएगा। शंकर भगवान की, नरवेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा होने जा रही है, इस पुण्य में आप लोग सभी लोग भागी बने। आप सभी लोग आइएगा कल, और बहुत ही मतलब अच्छा प्यारा सा मंदिर यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, पीछे इतना अच्छा बना है। और ये श्री राम जानकी मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर है हमारे गाँव पुरमोती में, और ये बाबा हैं यहाँ के महंत जी श्याम सुंदर दास जी। ये देखिए, और कुछ बाबा बताइए। और ये नरवेश्वर भगवान यहाँ स्थापना किए जा रहे हैं, जो नरवेश्वर नदी से आए हैं, देखिए सिद्ध मूर्ति है नरवेश्वर भगवान, जो इस शंकर भगवान को अपने मनोकामना से पूरा पूजा करेंगे उसकी सब कामना पूरा होती जाएगी, कोई बाकी नहीं रहेगी जी। देखिए आप लोग बाबा से देखिए क्या बोले, बहुत ही अच्छी बात बोले कि बहुत जो नदी से मतलब शिवलिंग आई है, और मतलब जो भी विनती मतलब जो मांगेंगे वो सब कुछ मिलेगा, बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं जाएगा। और बकिया हर हर महादेव, आल जितने भी आसपास के गांव हैं, जैसे कि चोरपुरवा हुआ और बिशुनपुरा हुआ, गंगा पार हुआ, गौरीडीह हुआ और कुरौली हुआ, पुरमोती हुआ, अन्य जितने भी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग यहाँ आमंत्रित हैं, बाबा बोले ही हैं। आप सबको प्रसाद वितरण होगा यहाँ पर भोलेनाथ जी का, और आशीर्वाद लेके सब भोलेनाथ जी जी। एक और विशेष बात बाबा बताने वाले हैं, कल जो है सुबह 8 बजे से पूरे गांव एरिया की परिक्रमा होगी शंकर भगवान की, और घूम घाम करके 2 बजे तक यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद स्थापना हो जाएगी जी। सभी लोग आइएगा देखने के लिए जी। याद रहे कल 28 तारीख सुबह 8 बजे से 2 बजे तक आप सभी लोग यहाँ हमारे गांव पुरमोती राम जानकी मंदिर में आप सभी लोग उपस्थित हों। धन्यवाद।